केरल से माँ बाप की चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। केरल के कोल्लम शहर में टोमेटो फीवर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक 80 से ज्यादा बच्चे इस वायरल बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। केरल सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक टोमेटो फीवर के मामले सबसे ज्यादा 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों में देखे जा रहे हैं। टोमेटो फ्लू को टोमेटो फीवर भी कहा जाता है। ये एक अज्ञात बीमारी है जिसके सबसे ज्यादा मामले केरल से ही सामने आए हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में यह पाया जा रहा है। इस फ्लू की चपेट में आने के बाद बच्चों के शरीर पर चकते और छाले हो रहे हैं। ये निशान आम तौर पर लाल रंग के होते हैं जिसके चलते इसे टोमेटो फीवर भी कहा जा रहा है। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह वायरल फीवर है या चिकनगुनिया या डेंगू के बुखार का परिणाम है। इस बीमारी के मुख्य लक्षण लाल रंग के चकते और छाले हैं। मरीज को त्वचा संबंधी परेशानी और डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। इसके अलावा संक्रमित बच्चों को तेज बुखार, बदन दर्द, जोड़ों में सूजन, थकान, पेट में थकान, उल्टी, दस्त, हाथ, घुटनों का रंग बदलना, खांसी, छींकना और नाक बहने जैसी परेशानियां हो सकती हैं। बच्चों के शरीर में पानी की कमी होने लगती है जिसके कारण यह बीमारी और भी गंभीर हो जाती है। हाथों, घुटनों और कूल्हे का रंग फीका पड़ना भी इस बीमारी की ओर इशारा करता है।